बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत खुश आमदीद कहती हूँ आप सबको होम फूड डायरीज़ पे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ, जो जायके में और बिल्कुल अपनी लुक्स में रेस्टोरेंट स्टाइल है। और बिल्कुल आप अगर इसे घर में बनाएंगे तो आप बिल्कुल बाहर से लेना इसे भूल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा चीज़ी और बहुत ही क्रिस्पी ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार होता है और जायके में बहुत ही लाजवाब है। इसके साथ साथ मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस बनाना भी घर में बताऊँगी, तो आपने रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना और रेसिपी को लास्ट तक जरूर फॉलो करना है ताकि आपका भी पिज्जा इतना ही। जी, तो सबसे पहले हम अपने खमीर का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। यहाँ 3/4 कप मेरे पास गरम पानी है, बहुत तेज़ गरम पानी नहीं लेना, फिर आपका खमीर फूलेगा नहीं। यहाँ हम तकरीबन 1.5 टेबल स्पून खमीर ले लेंगे, इंस्टेंट ईस्ट है ये, और 3 टेबल स्पून हम यहाँ शुगर शामिल कर देंगे, नॉर्मल शुगर है। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे रेस्ट देने देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट, ताकि हमारा खमीर बहुत अच्छे तरीके से फूल जाए। इस तरह आपका खमीर टेस्ट हो जाएगा कि आपकी डो बहुत अच्छी बनेगी। और चलिए अपनी डो की तैयारी शुरू कर देते हैं। यहाँ तकरीबन 2.5 कप मेरे पास मैदा है और इसमें हम 1 टेबल स्पून सॉल्ट यूज़ करेंगे और साथ ही हम इसमें 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मैं इसमें एक एग शामिल करूंगी, जो बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप करना चाहें। इसे इसका टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, साथ ही अपने खमीर का मिक्सचर इसमें ऐड करते जाएंगे। और पहले आप किसी स्पैचुला या विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें और फिर हाथों की मदद से आप देखिए इस तरह आप थंब से इसे रोल करें तो बहुत अच्छा सा ग्लूटेन फॉर्म होता है और बहुत जल्दी आपकी डो तैयार हो जाती है, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। थंब की मदद से आप इसे राउंड राउंड घुमा लें और लास्ट में हम इसमें 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल शामिल करेंगे और इसके बाद हम इसे भी बहुत अच्छे तरीके से नीट करेंगे 4 से 5 मिनट। आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमारी डो प्रिपेयर हो चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट। और इसे 2 घंटे का हम टाइम देंगे वार्म और डार्क प्लेस पर, ताकि ये अच्छे से राइज हो जाए। तो चलिए अब मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस बनाना बताती हूँ। यहाँ हमारे पास 6 टोमेटोज़ हैं, बीच में से स्लिट करके मैंने 4 से 5 मिनट इन्हें ब्लांच कर लिया है और इसका अब मैं छिलका रिमूव कर लूँगी। और 1 टमाटर को मैं यहाँ क्यूब्स में कट करूँगी सीडलेस करके और बाकी को ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। फ्रैंक पैन में 1 टेबल स्पून चॉप किए हुए मेरे पास गार्लिक है और 3 टेबल स्पून अनियन है। 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल में अच्छे से इन्हें सौते कर लेंगे और बिल्कुल हमने इन्हें सॉफ्ट करना है। जब ये 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक हो जाएंगे, इसके बाद हम इसमें अपनी टमाटो प्यूरी शामिल कर देंगे और इसे भी हम अच्छे से थिक होने तक पकाएंगे। कुछ मसाला जाज जाएंगे और ओरिगानो है, बेजल लीव है, हमारे पास चिलीज हैं और इसके बाद वाइट और ब्लैक पेपर है और 1/2 कप हम यहाँ टोमेटो केचप यूज़ कर रहे हैं। इसलिए हम इसमें एडिशनल कोई शुगर इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि केचप में पहले ही कुछ स्वीटनेस मौजूद होती है। अगर आप टोमेटो प्यूरी इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इसमें 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस इस्तेमाल करूंगी और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी सी थिकनेस आ जाएगी, तो मैंने डिश आउट कर लिया है। यहाँ हमारे पास 500 ग्राम ब्रेस्ट है, चिकन ब्रेस्ट, इसे मैंने बिल्कुल चंक साइज़ में काट लिया है। 2 टेबल स्पून इसमें दही शामिल करूँगी, 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इसके अलावा सॉल्ट 1 टीस्पून यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मैं इसे चिकन टिक्का फ्लेवर दे रही हूँ, तो स्पाइसेस भी उसी हिसाब से हैं। ब्लैक पेपर है, इसके अलावा गरम मसाला पाउडर है, क्यूमिन पाउडर है, चिली फ्लेक्स हैं, चिली पाउडर है और कुछ यहाँ मैं हल्दी कलर के लिए यूज़ कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ लेमन जूस इस्तेमाल किया है और 2 से 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल के साथ हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसे पकाना शुरू करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हमने इसे ओवर कुक नहीं करना। अब देखिए थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चर है, बस थोड़ा सा ही मैं इसे ड्राई करूँगी। साथ ही हम अपने पैन को यहाँ पहले से ग्रीस कर लेंगे, रेडी कर लेंगे। ये तकरीबन मीडियम साइज़ का पैन है, पिज़्ज़ा पैन, 2 हमारे मीडियम साइज़ के बिल्कुल आराम से इसी डो से पिज़्ज़ा बन जाएंगे। अब आप देखिए थोड़ा सा मॉइस्चर रह गया है, बस मैं इसे बंद कर दूँगी क्योंकि इन्होंने बेक होना है। ज़्यादा अगर हम कुक करेंगे तो ये च्यूई हो जाएंगे। यहाँ देखिए हमारी पिज़्ज़ा डो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से राइज हो चुकी है। अब हम
इसे 1 से 2 मिनट थोड़ा सा इसे दोबारा पंच करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फिर हमारा फ्लफ़ी पिज़्ज़ा नहीं बनेगा। अब आप देखिए मैं बिल्कुल हल्के हाथों से इसे पंच कर रही हूँ और इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कितना अच्छा ग्लूटेन फॉर्म हुआ है, कोई भी क्रैक नहीं है इसमें। अब मैं इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लूँगी किसी तेज़ शार्प नाइफ की मदद से। अब आप देखिए ये डिवाइड हो चुका है और इसके बाद हम इसे पैन के लिए रोल कर लेंगे। जितना आपका पैन है आप उसी हिसाब से इसे रोल करें, और इसे थोड़ा सा बड़ा रोल करें क्योंकि हम साइड्स को उसी तरह ही फोल्ड करेंगे। अब आप देखिए मैंने अपने पैन के थोड़े से बड़े साइज में इसे रोल कर लिया है, पैन में इसे शिफ्ट कर लिया है, और अब मैं इसके कॉर्नर्स को इस तरह प्रेस करूँगी क्योंकि हम थिक क्रस्ट यहाँ पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो मैं साइड्स थोड़े से ज़्यादा फोल्ड कर रही हूँ थिक साइज़ में। और अगर आप थिन क्रस्ट पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल बारीक साइज में ही इसे फोल्ड करें, और आप जितना चाहें आप उतना उसे थिन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं तमाम साइड्स को अच्छे तरीके से इस तरह प्रेस कर लूँगी और इसे थोड़ा सा मैं रेस्ट टाइम दूंगी तकरीबन 10 मिनट्स, ताकि ये दोबारा से बहुत अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। आप देखिए हमारी बिल्कुल पैन में डो बिल्कुल फ्लफ़ी हो चुकी है पिज़्ज़ा की। अब किसी कांटे की मदद से मैं इस तरह इसे पोर्क कर दूंगी ताकि ये सेंटर से बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। अब जब तमाम इस तरह के मार्क्स आ जाएंगे तो सबसे पहले हम अपने पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे। आप जितना ज़्यादा पसंद करते हैं आप उतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पिज़्ज़ा सॉस आप बना नहीं रहे और घर में आपके पास चिली गार्लिक सॉस है तो आप बिल्कुल वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से किसी तरह की भी फिलिंग कर सकते हैं और जितनी ज़्यादा करना चाहें उतनी भी कर सकते हैं। आप देखिए मैंने अच्छे से चिकन लगा ली है जी, तो लास्ट में मैंने यहाँ स्पेशल पिज़्ज़ा चीज़ इसमें यूज़ की है। आप बिल्कुल मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं और साथ आप चेडर भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मिक्सचर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने कैप्सिकम, टोमेटोज़ और कुछ अनियन डाले हैं, ग्रीन ऑलिव्स डाले हैं, और इसकी टॉपिंग आप बिल्कुल अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। लास्ट में दोबारा से मैं थोड़ा चीज़ से इसे टॉप कर दूँगी, साइड को हम ग्रीस कर देंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल की मदद से, इससे इसकी क्रस्ट बहुत अच्छी बन जाएगी और बहुत अच्छा सा इसमें कलर भी आएगा और बहुत क्रिस्प भी होगी। तो देखिए मैं तमाम साइड को बहुत अच्छे तरीके से ग्रीस कर लूँगी ऑयल की मदद से, आप बटर की मदद से भी कर सकते हैं, और इसे हम बेक कर लेंगे। प्री हीटेड ओवन है, 10 मिनट प्री हीट किया है, 20 मिनट के लिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक किया है। यहाँ मैंने पैन भी रेडी कर लिया है, 10 मिनट से मैं इसे गर्म कर रही हूँ ढक्कन के साथ। और अब आप देखिए यहाँ मैंने पिज़्ज़ा का ट्रे इसमें भी रख दिया है और इसे भी अच्छे तरीके से हम पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट के लिए। दोनों पिज़्ज़ा हमारे बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप देख रहे हैं हमारे चीज़ी पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्प इनकी क्रस्ट है और बहुत ही अंदर से चीज़ी हैं, और चिकन और इनका सॉस सभी चीज़ें बहुत ही टेस्टफुल हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक दे दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।